दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के प्रिंस शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 मैच में न केवल अपने वनडे करियर के 2000 रन पूरे किए बल्कि 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भी बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने मात्र 38 वनडे पारियों में 2000 का आंकड़ा पार कर पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज हासिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा। अपने समय के दिग्गज बल्लेबाजों में एक आमला के नाम 40 वनडे पारियों में 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। अब आइए जानते हैं सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर शुभमन गिल आ गए हैं जो कि 38 पारियों में सामना किए हैं। फिर दूसरे नंबर पर हासिम आमला 40 पारियां, तीसरे नंबर पर जहीर अब्बास 45 पारियां, चौथे नंबर पर केविन पीटरसन 45 पारियां, पांचवें नंबर पर बाबर आजम 45 पारियां और छठे नंबर पर वेंडर हुसैन 45 पारियां। जी हां दोस्तों, पांच ऐसे बल्लेबाज हैं जो 40 से लेकर 45 पारियों में 2000 रन का आंकड़ा पार किए हैं, लेकिन शुभमन गिल केवल और केवल 38 पारियों में 2000 रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 223 साल के गिल भारत के लिए वनडे में 2000 रन बनाने वाले पांचवें सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और दूसरे स्थान पर हैं युवराज सिंह, तीसरे नंबर पर विराट कोहली और चौथे स्पॉट पर हैं सुरेश रैना। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मशाला के मैदान में लक्ष्य का पीछा करने उतरे गिल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की, जहां रोहित ने पहले ही ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगा दी, लेकिन गिल पहले तीन ओवर में खामोश रहे, जिसके बाद शुभमन गिल ने चौथे ओवर में मैट हेनरी की आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पहली बाउंड्री दर्ज की और छठे ओवर में गिल ने एक बार और हेनरी को निशाना बनाया और पांचवी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिए और फिर सातवें ओवर में शुभमन ने लेफ्ट आर्म पेसर ट्रेट बोल्ट के खिलाफ लगातार दो चौके लगाकर अपने वनडे करियर में 2000 रन भी पूरे कर लिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि क्या शुभमन गिल आगे चलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।